हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और लिखा है कि सॉल्व दिस इक्वेशन इफ पॉसिबल फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x, 9x² प्लस 3x अपॉन 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ डिनोमिनेटर में 4 दिया है तो हम इस 4 को रिमूव करेंगे। इसे निकालने के लिए हम पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन हो जाएगा 36x² प्लस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हमने इससे पहले जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमने मिडिल टर्म स्प्लिट किया था, पर इस इक्वेशन में हम वो मेथड नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जब हम 36 और 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 288 आएगा, और हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 288 आता है और एडिशन 3 आता है, तो ऐसे कोई नंबर नहीं आएंगे। इसलिए हम यहाँ फॉर्मूला मेथड यूज़ करेंगे। फॉर्मूला मेथड यूज़ करने के लिए हम फर्स्ट ए बी सी के वैल्यूज़ लिखेंगे। ए इज़ इक्वल टू 36, बी इज़ इक्वल टू 3 और सी इज़ इक्वल टू 8। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम यहाँ ए बी सी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब भी आप फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे यही फॉर्मूला यूज़ करना है। माइनस 3 प्लस माइनस इन रूट 3² माइनस 4 इंटू 36 इंटू 8। माइनस 3, 3 बी की वैल्यू है, यहाँ बी स्क्वायर में हम लोग ने 3² लिखा। माइनस 4 और ए की वैल्यू 36 है और सी की वैल्यू 8 है। अपॉन 2 इंटू 36 इज इक्वल टू, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, माइनस 3 हम एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर हुआ 9 माइनस 4 इंटू 36 इंटू 8 ये हुआ 1152 अपॉन 36 इंटू 2 इज 72 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 1143 अपॉन 72। इससे आगे हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट में नंबर जो आया है वो माइनस में है और हम माइनस के नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। इसलिए यहाँ एक्स की वैल्यू निकालना या एक्स के लिए सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख दीजिए, सिंस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1143 इज़ नॉट पॉसिबल, वी कैनॉट सॉल्व फॉर एक्स।